जय हिंद दोस्तों, मैं विकास, यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी। आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्लोकों पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जुड़ जाइए अगर क्लास के अंदर, क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जिस भी बच्चे ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको मिलती रहे। हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर हमारी शॉर्ट्स वीडियो डलती है जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज फैक्ट रखती है। और फिलोफॉर्म पर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों ही आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, लाइव क्लासेस आपकी रहती हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी रहती है और पीवाईक्यू आपकी प्रैक्टिस रहती है। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं फिलोफॉर्म पर तो आप VIK 10, VIK 10 कूपन कोड यूज कर सकते हो, जिससे आपको फिल्म की हर बैच पर 10% ऑफ मिलता रहेगा। इससे पहले हमने महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ा था कि ऋग्वेदिक काल के अंदर महिलाओं की स्थिति कैसी थी, फिर ऋग्वेदिक काल के अंदर स्त्री को क्या कहा गया है, सम्राज्ञी कहा गया है, ये चीजें हमने नोट की थी। विवाह की अनुमति तक हम रीड कर चुके थे और यहाँ से हम शुरू करेंगे दोबारा रिवीजन करने के बाद। तो कमेंट करके जुड़ जाइए एक बार सभी। और तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। विवाह की अनुमति, विवाह की अनुमति हमने कल डिस्कस किया था कि विवाह की अनुमति, जो विवाह है उसके लिए जो अनुमति है वो पिता से लेनी होती थी। किससे? पिता से लेनी होती थी। आयु की अगर मैं बात करूं तो आयु कितनी थी? आयु की आवश्यकता 16 से 17 वर्ष। बाल विवाह निषेध था। बाल विवाह निषेध यानी बाल विवाह आप नहीं कर सकते, बाल विवाह आप नहीं कर सकते, ये बात निषेध थी। वहां पर अंतरजातीय विवाह होते थे। क्या थे? अंतरजातीय विवाह होते थे। आर्य प्लस अनार्य विवाह निषेध थे। अब भाई बहन का विवाह निषेध था। भाई बहन का विवाह निषेध था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यम यमी संवाद हमें मिलता है। क्या मिलता है? यम नचिकेता का संवाद हमें वहां पर मिलता है। यम यमी संवाद में इसका विस्तार से वर्णन है। विस्तार से वर्णन हमें देखने को मिलता है। हालांकि मिस्र के अंदर भाई बहन का विवाह जो होता है वह प्रथा प्रचलित थी। नोट डाल के लिख लीजिए, मिस्र में भाई बहन विवाह प्रचलित था। लवी जय हिंद बहन,
प्रचलित है। कल हमने डिस्कस किया था विवाह के बारे में, तो विवाह की अनुमति किससे लेनी होती थी? पिता से लेनी होती थी। आयु 16 से 17 वर्ष, बाल विवाह निषेध था, अंतरजातीय विवाह होते थे, आर्य प्लस अनार्य विवाह निषेध था, भाई बहन का विवाह निषेध था। इसका जो संवाद है हमें जो विस्तृत वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णन मिलता है। हालांकि मिस्र सभ्यता के अंदर क्या था, मिस्र के अंदर भाई बहन का विवाह होता था। ठीक है, मिस्र, नोट डाल के लिख लीजिए। मिस्र की सभ्यता में, मिस्र सभ्यता कहां पर फली फूली? ये फली फूली मिस्र के अंदर, मिस्र के रेगिस्तान में। किस नदी के किनारे फली फूली? नील नदी के किनारे, नील नदी के किनारे फली फूली। इन्होंने विश्व को देन क्या है? इनकी सूर्य घड़ी, सूर्य घड़ी। मम्मी पिरामिड, पिरामिड। ठीक है, ये इनकी विश्व की देन है। मम्मी की बात करें तो ये क्या करते थे, जो इनके जो राजा महाराजा होते थे, जो भी रानी होती थी, जो मर जाते थे तो उसको रसायन से, एक रसायन का लेप करके आज तक भी सुरक्षित देखने को हमें मिलती है। फेरोन की मम्मी मिली है, फेरोन राजा था यहाँ का, मिस्र का, तो वो आज तक भी सुरक्षित है, हालांकि बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस सभ्यता का क्या था? रसायन शास्त्र, शास्त्र सुदृढ़ था, सुदृढ़ था। और इस मिस्र की सभ्यता का विकास किसने किया था? इसका विकास फेरोन ने किया था। फेरोन ने इस सभ्यता का विकास किया था। इस सभ्यता का क्या किया था? विकास फेरोन के द्वारा किया गया, फेरोन के द्वारा किया गया था। क्लियर हो गया मिस्र की सभ्यता? कमेंट करते रहना अगर कोई भी चीज समझ में ना आए। मिस्र रेगिस्तान के अंदर फैली, मिस्र की सभ्यता जो थी वो रेगिस्तान के अंदर फैली थी। नील नदी की सभ्यता इसे कहा जाता है। सूर्य घड़ी का विकास इन्होंने किया था। मम्मी की देन इन यही थी, पिरामिड यही थी। ठीक है, पिरामिड की देन इन्होंने कहा है। पिरामिड की मैं बात करूं तो गिजा का पिरामिड सबसे बड़ा है। गिजा का पिरामिड सबसे बड़ा पिरामिड है, गिजा का पिरामिड। रसायन शास्त्र सुदृढ़ था, विकास इस जो सभ्यता का विकास हुआ था फेरोन के समय हुआ था। द परमिशन ऑफ मैरिज हैड बीन टेकन फ्रॉम द फादर, कि जो शादी की, वैदिक सभ्यता की मैं बात करूं तो शादी की अनुमति पिता से लेनी होती थी। एज 16 to 17 ईयर्स चाइल्ड मैरिज वॉज प्रोहिबिट, इंटरकास्ट मैरिज वहां पर होती थी। यूज टू बी आर्यन एंड नॉन आर्यन जो मैरिज थी वो प्रोहिबिट थी। ठीक है, अधिक समय तक अविवाहित महिलाओं, कन्याओं को अमूजा कहते थे। विधवा स्त्री अपने देवर या अन्य पुरुष से विवाह कर सकती थी। इन्हें पुनर्विवाह मान्य था। क्या था? पुनर्विवाह मान्य था। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल से ये चीजें प्रचलित थी। और उत्तर वैदिक काल में जो विधवा का पुत्र होता है, जो विधवा का पुत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? देदिश्वय कहा जाता है, देदिश्वय विधवा के पुत्र को कहा जाता है। सामान्यतः एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी, परंतु धनी वर्ग के लोग बहुपत्नी प्रथा भी रखते थे। ठीक है, देखो सामान्यता क्या था? सामान्यता यानी जो सामान्य रूप से एक पत्नी प्रथा थी, लेकिन जो धनी वर्ग था ना, धनी वर्ग मतलब जो पैसे वाले लोग थे वहां पर, जो अमीर लोग थे उस समय के, वो बहुपत्नी प्रथा उनके पास थी। यानी वो एक से अधिक पत्नियां रखते थे, बहुपत्नी प्रथा वहां पर प्रचलित थी। ठीक है, और ये मात्र एक संकेत मात्र है, संकेत संकेत संकेत
मात्र थी। बहुत विवाह के समय मिलने वाले उपहार होते हैं, बहुत क्या होते हैं, विवाह के समय मिलने वाले उपहारों को बहुत कहा जाता है, और वैदिक संस्कृति में वधु मूल्य भी प्रचलित था। वैदिक साहित्य में जो वैदिक संस्कृति थी उसके अंदर वधु मूल्य प्रचलित है, यानी जो पत्नी होती है उसके मूल्य का भी हमें पता चलता है कि उसके मूल्य के द्वारा भी उसे खरीदा जाता था। लॉन्ग अनमैरिड गर्ल्स आर कॉल्ड अमूजा, विडो वुमेन कॉल्ड मैरी देयर ब्रदर इन लॉ एंड अदर मैन वहुता वेयर दी गिफ्ट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, हालांकि कुल के रूप में इसका वर्णन कुल के अर्थ में वर्णन अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अथर्ववेद में कुल के रूप में देखने को मिलता है। इस काल में दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे, अनुलोम और प्रतिलोम। विवाह कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के। विवाह कितने प्रकार के थे? विवाह वैसे तो 8 प्रकार के थे, ठीक है, हम आगे देखेंगे, लेकिन इसमें दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे ऋग्वेदिक काल के। इसमें ऋग्वेदिक काल में कितने विवाह? दो प्रकार के थे। एक अनुलोम, एक प्रतिलोम। अनुलोम जो विवाह था इसमें पुरुष तो उच्च वर्ण का होगा, उच्च वर्ण, ठीक है, स्त्री निम्न वर्ण की, यानी पुरुष से निम्न वर्ण का जो होगा, यानी पुरुष मान लीजिए उच्च वर्ण का हो गया तो स्त्री क्या होगी? उससे नीचे वर्ण की स्त्री होगी, उसे क्या कहा जाएगा? अनुलोम विवाह कहा जाएगा। उदाहरण की अगर मैं बात करूं, उदाहरण एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में ब्रह्मविद कौन है? ब्रह्मविद विमद और राजकन्या कुमादु। राजकन्या मधु, देखो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण क्या हो गया? उच्च वर्ण हो गया उसमें उस टाइम का, तो राज जो क्षत्रिय हो गया उनसे निम्न वर्ण हो गया, तो ये क्या हो गया? अनुलोम विवाह हो गया। प्रतिलोम विवाह में क्या होता है? पुरुष निम्न वर्ण का, पुरुष निम्न वर्ण, स्त्री उच्च वर्ण, उच्च वर्ण। जैसे देवयानी, इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? देवयानी प्लस राजा ययाति का विवाह, राजा ययाति का विवाह। देवयानी जो थी शुक्राचार्य की पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? शुक्राचार्य की, शुक्राचार्य की पुत्री थी, ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए अगर समझ में आ गया। जी ठीक है प्रिय कौशिक, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के
मुंडक सूक्त में शिक्षा पद्धति का उल्लेख देखने को मिलता है, किसमें? ऋग्वेद के मुंडक उपनिषद में। शिक्षा पद्धति, शिक्षा पद्धति किस पर आधारित थी? गुरुकुल पद्धति वहां पर प्रचलित थी। कौन सी? गुरुकुल पद्धति प्रचलित थी। ऋग्वेद के मुंडक सूक्त में वर्णन मिलता है। शिक्षक को क्या कहते हैं? शिक्षक ब्राह्मण का, शिक्षक कौन थे वहां पर? ब्राह्मण थे। स्वरूप कैसा था? स्वरूप, शिक्षा का स्वरूप मौखिक था। कैसा था? मौखिक शिक्षा का स्वरूप था। अब आगे देखते हैं, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड ऑफ एजुकेशन इज फाउंड इन मुंडक सूक्त ऑफ ऋग्वेद। देखो ये मुंडक सूक्त है भाई, मुंडक उपनिषद नहीं है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद का है और मुंडक सूक्त किसका है? ऋग्वेद का है। ये बात आप नोट डाल के लिख लो, यहीं पर कंफ्यूजन नहीं रहेगी, नोट डाल के लिख लेना। देखो मुंडक सूक्त का संबंध ऋग्वेद से है, मुंडक उपनिषद का संबंध किससे है? इसका संबंध अथर्ववेद से है, अथर्ववेद से है, और इसी से आपका सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते, कि सत्य की हमेशा जीत होती है, ये किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और अस्तो मा सदगम्य, अस्तो मा सदगम्य, ये किससे लिया गया? ये ऋग्वेद से लिया गया भाई, ठीक है, ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद की आर्थिक स्थिति क्या है? आर्थिक स्थिति, ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि कार्यों का वर्णन है, कृषि प्रक्रिया का, कृषि परिक्रिया का उल्लेख देखने को मिलता है। संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण थी। संस्कृति कैसी थी? संस्कृति ग्रामीण थी। खेती योग्य भूमि को क्या कहा जाता है? उर्वरा कहा जाता है। वेशभूषा और आभूषण तक करवा दिया था, कुछ चीजें इसमें ऐड हो रही है लवी, ठीक है, जैसे मिश्र की सभ्यता इसमें ऐड हुई है, अनुलोम प्रतिलोम विभाग के इसमें उदाहरण ऐड हुए हैं, ठीक है, और शिक्षा की पद्धति कैसी थी वो ऐड इसमें हुई है। तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ आपको एक ब्रीफली समझाया था कि कल हमारा किस तरीके से हमें पढ़ना है। संस्कृति कैसी थी? ग्रामीण थी। खेती के लिए सर्वप्रथम हल चलाना किसने सिखाया था? अश्विन कुमारों ने। हल चलाना किसने सिखाया था? अश्विन कुमार ने सिखाया था, कुमारों ने। और किसे सिखाया था? मनु को सिखाया था। किसे? मनु को सिखाया था, ठीक है। हल चलाना सबसे पहले किसने सिखाया था? मनु को सिखाया था। ऋग्वेद में 33 बार कृषि प्रक्रिया का उल्लेख है, ऋग्वेद में 33 बार कृषि प्रक्रिया का उल्लेख देखने को मिलता है। ऋग्वेदिक संहिताओं में केवल 3 शब्द प्राप्त होते हैं, ऋग्वेदिक संहिताओं में, ऋग्वेदिक संहिताओं में तीन शब्द
तीन शब्द देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो उदर शब्द देखने को मिलता है, कृषि से रिलेटेड है। फिर धान्य शब्द देखने को मिलता है, ये भी कृषि से रिलेटेड है। और संपत्ति, ये तीनों ही वर्ड किससे देखने को मिलते हैं? कृषि से रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद में 33 बार कृषि प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद संहिताओं में 3 बार तीन शब्द देखने को मिलते हैं, उदर, धान्य, संपत्ति। ऋग्वेद में जुते हुए खेत को उर्वरा कहा जाता है। ऋग्वेद में खेती योग्य भूमि को उर्वरा कहा जाता है। खेती के लिए हल चलाना सर्वप्रथम अश्विन कुमारों ने सिखाया। जीवन का मूल आधार, ऋग्वैदिक काल में जीवन का मूल आधार क्या था? मूल आधार कृषि प्लस पशुपालन था। कृषि और पशुपालन खेती का, सॉरी, जीवन का मूल आधार था लोगों का। यहां तक की चीजें समझ में आ गई? इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ ऋग्वेदा, एग्रीकल्चर प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड इन दी फोर्थ डिवीजन। एग्रीकल्चर जो डिस्क्राइब्ड है किसमें? फोर्थ डिवीजन में है। 33 बार उनका जो 33 टाइम उनका क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। कल्टिवेटेबल लैंड वॉज कॉल्ड उर्वरा। अश्विनी कुमार फर्स्ट टोट प्लोइंग फॉर फार्मिंग। अश्विनी कुमार सिंह ने सबसे पहले टोट किया था प्लोइंग को, फार्मिंग के लिए। और ये किया था मनु को, किसको? मनु को किया था। और ऋग्वेदिक संहिताओं में तीन हमें शब्द देखने को मिलते हैं जो कृषि से संबंधित, उर्वर, धान्य, संपत्ति। आगे बढ़ते हैं, कमेंट कीजिए, चीजें समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। चरगाहों के लिए गव्य शब्द का प्रयोग किया गया है। चरगाह यानी जहां पर पशुओं को चराने के लिए जो स्थान है, उस चरगाह, चरगाहों के लिए क्या किया गया? गव्य या गव्यति, गव्यति शब्द का प्रयोग किया गया है। बैल के लिए वृक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। ऊसर भूमि को खिल कहा गया है, ठीक है। किसान को कनिष कहा गया है। हलवाहक कहा गया है, हल वाहक कहा गया है। हल की रेखाओं को हलवा का अर्थ होता है, हल की रेखा बनाने वाला, हलवा, हल की रेखा बनाने वाला कहा गया है। और मौर्य काल में, सॉरी, जो हल की रेखाएं हैं, हल की रेखाएं हैं, हल की रेखा है, उसे सीता कहा गया है। नोट डाल के एक बात लिख लीजिए, मौर्य काल में, सीता भूमिकर था। सीता क्या थी? सीता एक भूमिकर था। ठीक है, मौर्य काल में सीता एक भूमिकर थी। सिंचाई नहरों द्वारा व कुओं द्वारा की जाती थी। नहरों को कुल्य कहा गया है, नहरों को क्या कहा गया है? कुल्या कहा गया है। कुओं को अवध कहा गया है, क्या कहा गया है? अवध कहा गया है। गोबर को, जो वेस्ट होता है एनिमल्स का, उसे सकृत कहा गया है। सकृत उसे कहा गया है। असम चक्कर पानी खींचने वाले रहटों का प्रयोग किया जाता था। पानी खींचने के लिए रहटों का प्रयोग किया जाता था। पानी खींचने के लिए रहट का प्रयोग किया जाता था। वर्ष अनाज की पुत्री कहा गया है। वर्ष को अनाज की पुत्री
कहा गया है। द वर्ड ऑफ गव्य वॉज यूज टू पश्चर द बुल्लॉक हैज बीन कॉल्ड वीरक एंड द यूजर लैंड इज एज खिल नेहरो वेल्स एंड जो कनाल्स थी और वेल्स पे क्या किया जाता था, कनाल्स और वेल्स के साथ इरिगेशन किया जाता था, ठीक है, इरिगेशन किससे किया जाता था, कनाल और वेल्स से। तो कमेंट कीजिए यहां तक की चीजें समझ में आ गई। कमेंट कीजिए एक बार सभी। ओके अब आगे चलते हैं। गायें, गायें को क्या कहा गया है, अष्टकर्णी कहा गया है, अष्टकर्णी कहा गया है, ठीक है, या फिर अधन्य कहा गया है, अधन्य कहा गया है, न मारने योग्य पशु, न मारने योग्य पशु कहा गया है, गवेषणा, गवेषणा युद्ध का पर्याय शब्द है, क्या है, युद्ध का पर्याय है, गेशु गव्य गम कहा गया है। युद्ध का अधिक कारण, अधिकांश युद्धों का कारण क्या था, गायें थी, अधिकांश युद्धों का कारण थी। पवित्र धनी से कहा गया है, क्या कहा गया है, पवित्र धन इसे कहा गया है, विनियम का साधन माना गया है, क्या माना गया है, वस्तु विनियम का साधन माना गया है, वस्तु विनियम का साधन माना गया है। समझ में आया यहां तक। और क्या देखने को मिलता है, गो विश्वस्य मात्रम, गो विश्वस्य मात्रम, अर्थात गायें माँ की तरह विश्व का पालन करने वाली है, विश्व भेड़ बकरी घोड़ा आदि प्रमुख पशु थे। गायें बताइए, गायें का कंप्लीट समझ में आ गया। काव, काव वाज कॉल्ड अष्टकर्णी और धन्य कंसिडर्ड एज ए मीन्स ऑफ रेगुलेशन, शिप गोट हॉर्स एटसेट्रा वेयर द मेन एनिमल्स,
आगे देखते हैं। भेड़, भेड़, भेड़ को क्या कहा गया? अवी। और इसका जो पालने वाला है उसे क्या कहा गया? अवी पालक, अवी पालक, पालने वाला। ठीक है, उसके बाद बकरी, बकरी को क्या कहा गया? अज। और अज को पालने वाला अजपालक। घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था, घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था। देखो, युद्ध होते थे गाय के लिए, हालांकि युद्ध जो होते थे वो गाय के लिए होते थे, लेकिन प्रिय पशु घोड़ा था। प्रमाणित मंडलों में, प्रमाणित मंडलों में कृषि शब्द दुर्लभ है। जी बिल्कुल ठीक है। अगर इसकी पीडीएफ थी मेरे पास, अगर आप मुझसे मांग लेते तो मैं दे देता आपको। बिल्कुल अच्छी बुक है, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, बिल्कुल पीवाईक्यू के लिए बड़ी अच्छी किताब है। ठीक है, मैं आपको दे दूंगा, तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर देना एक बार। ठीक है प्रिया, मैसेज कर देना मुझे चैट बॉक्स में, मैं प्रोवाइड कराता। अदरवाइज आपके पास परमदीप का अगर कॉन्टेक्ट नंबर है तो आप परमदीप से भी ले सकते हो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जैसे ही हरियाणा के अंदर इंटरनेट बहाली हो जाएगी मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा। जो कृषि शब्द है 24 श्लोकों में, 24 श्लोकों में प्रयोग हुआ है वो किसमें है? कम प्रमाणित मंडलों में। ठीक है, कम प्रमाणित मंडलों में कृषि शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रमुख खेती किसकी की जाती थी? प्रमुख खेती जौ की जाती थी। जौ को यव कहा जाता है, इसका वर्णन 15 बार। जौ को क्या कहा जाता है? यव कहा जाता है, और इसका वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार है? 15 बार वर्णन इसमें मिलता है। धान्य अर्थात सामान्य अनाज की खेती। धान्य क्या होता है? धान्य मैंने आपको बताया था कि कृषि से संबंधित है, इसका अर्थ होता है सामान्य अनाज की खेती। ठीक है, यहां तक बताइए, यहां तक किसी को डाउट? आगे चलते हैं। यहाँ तक की चीजें कल हमारी कंप्लीट हो गई थी, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन था उसके रिगार्डिंग, और कुछ नई चीजें आपको लिखवानी थी।
अब आ जाता है खान पान। खान पान में, खान पान में घी, दूध, दही क्या था? खान पान में घी, दूध, दही, ठीक है। अनाज में क्या था खाने में? अनाज, अनाज में प्रमुख रूप से जौ खाया जाता था, क्या था? जौ। कर्म अनुसूत का प्रयोग किया जाता था। पेय पदार्थ, लोग कैसे थे? मांसाहारी भी थे, लोग मांसाहारी भी थे। पेय पदार्थ में, पेय पदार्थ जल, दूध, सोम, सुरा, मधु, शहद का प्रयोग होता था, ठीक है। सोम जो था ये एक ऋग्वेदिक, ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख समय सोम रस का मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। आर्यों का अवशिष्ट पेय पदार्थ था। आर्यों का विशिष्ट पेय था। यज्ञों में प्रयोग होता था, यज्ञों में प्रयोग होता था। शक्तिवर्धक था, क्या था? शक्तिवर्धक था, शक्तिवर्धक था सोमरस, ठीक है। हिमालय की मुंजो चोटी से सोमवनस्पति को प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के नौवें मंडल में इस बात का वर्णन मिलता है। मनोरंजन की अगर मैं बात करूं, मनोरंजन के साधनों में घी, मिल्क, कर्ड, ग्रेन्स, ग्राम एंड स्कोटन वर यूज्ड। नॉन वेजिटेरियन आल्सो, और जो वाटर के अंदर थे पेय पदार्थ, वाटर, मिल्क, सोम, शुरा, यानी इन देयर ड्रिंक्स, इनके जो ड्रिंक थे वो क्या क्या थे? वाटर, मिल्क, सोम, शुगर, हनी। मनोरंजन के लिए घुड़दौड़, रथ दौड़, आखेट, ध्रुत क्रीड़ा, सामूहिक नृत्य आदि शामिल थे। दौड़ के लिए अधि शब्द का प्रयोग मिलता है। दौड़ जो होती है, दौड़ के लिए अधि शब्द का प्रयोग हुआ है। दौड़ कराने, दौड़ के दौरान, दौड़ के दौरान मनोरंजन को, मनोरंजन को काष्टा कहा गया है। काष्टा कहा गया है। दौड़ के दौरान जो मनोरंजन होता है उसे क्या कहा गया है? उसे काष्टा कहा गया है। अघिटी, अघिटी, अघिट, अघटी ऋग्वेद में प्रयुक्त एक प्रकार का वाद्य यंत्र था। ऋग्वेद में प्रयुक्त एक प्रकार का वाद्य यंत्र, ठीक है। अघटी क्या था? ऋग्वेद में प्रयुक्त एक प्रकार का वाद्य यंत्र था। ध्रुत क्रीड़ा, ध्रुत क्रीड़ा, जुआ, अक्ष सूक्त में, अक्ष सूक्त में जुए के दुष्परिणामों के बारे में लिखा है। दुष्परिणामों के बारे में वर्णन है। वर्णन है, ठीक है। अक्षशाला क्या?
अक्ष शाला अर्थार्थ जुआ घर, अर्थार्थ जुआ घर, अर्थात जुए जुआ घर में मत जाओ, जुआ मत खेलो। खेती पर ध्यान दो, खेती पर ध्यान दो। ये बात किसमें वर्णन मिलता है? अक्ष सूक्त में मिलता है, ठीक है। अक्ष सूक्त में किसका वर्णन मिलता है? जुए का दुष्परिणामों का वर्णन मिलता है। आर्य संगीत के सात स्वरों से भी क्या था? परिचित थे। एक बार कमेंट करके मुझे बताइए चीजें समझ में आ गई, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यस, आर्य संगीत के सात स्वरों से क्या थे? परिचित थे। करकरी क्या होता है? वीणा होता है। अघात झांझ, मृदंग तूणव, तूणव क्या होता है? बांसुरी, बांसुरी वाण, नाल दुंदिन, ये सब क्या है? ये संगीत के वाद्य यंत्र है। नृत्य में स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते थे। नृत्य में स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते थे। हॉर्स रेस, चैरिट रेस, हंटिंग, रैपिड स्पोर्ट, ग्राउंड डांस एटसेट्रा, ग्रुप डांस एटसेट्रा वर इंक्लूड फॉर एंटरटेनमेंट। आर्यंस वर आल्सो फेमिलियर विद द सेवन नोट्स ऑफ म्यूजिक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पॉपुलर इन ऋग्वेदा, करकरी, अहाट, मृदंग। वेशभूषा, वेशभूषा एवं आभूषण, आभूषण। वास, वास जो होता है वो कमर के नीचे पहना जाता है, कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र। वस्त्र सूती व ऊनी वस्त्र थे। वस्त्र कैसे थे? सूती व ऊनी थे, सूती व ऊनी वस्त्र थे, ऊनी वस्त्र थे, ठीक है। अधिवास क्या होता है? अधिवास कमर के ऊपर। कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों को कहते हैं। बाल संवारने के लिए जो कला होती है उसका विकास हो चुका था। रंगने एवं कसदारी के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। स्त्री द्वारा जो ये स्त्री द्वारा जब ये वस्त्र पहने जाते थे तो उन्हें नीवी कहा जाता था, नीवी या फिर नीवी या कंचुकी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नीवी या कंचुकी कहा जाता था। आर्यों में स्त्री पुरुष नूपुर कुंडल हार का प्रयोग करते थे। आर्यों में स्त्री व पुरुष, स्त्री पुरुष किसका प्रयोग करते थे? नूपुर यानी पायल, कुंडल कानों में पहनने के लिए, हार गल में डालने के लिए का प्रयोग करते थे। कॉस्ट्यूम एंड ऑर्नामेंट्स वर कॉटन क्लोथ्स, डोमेसाइल डोमेसाइल एवोल्यूशन ऑफ द आर्ट ऑफ हेयर ग्रूमिंग, पेंटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क स्टार्टेड व्हेन दीज क्लोथ्स वर वोर्न बाय वुमेन, दे कॉल्ड नीवी और कंचुकी।
समझ में आ गया इतनी चीजें। अब चलते हैं किस पर, वास पर, जो आवास था, ठीक है, किस पर, आवास पर अब हम चर्चा करते हैं। कमेंट कीजिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आवास, जनजीवन कैसा था? घुमंतू था। कबीले के रूप में घूमते रहते थे, कबीले के रूप में घूमते रहते थे। घूमते रहते थे। ऋग्वेद के अंतिम मंडलों में स्थानीय आवासों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद के अंतिम मंडलों में आवासों का वर्णन मिलता है, वर्णन मिलता है। पतसता, आयन, हरम, गृह, वास्तु। ऋग्वेद में आवास के लिए प्रयुक्त शब्द थे, क्या थे? ऋग्वेद में आवास के लिए प्रयुक्त शब्द थे। ऋग्वेद में घर के कुछ प्रमुख भागों की हम चर्चा करते हैं। देखिए, हाउसिंग पीपल लाइफ वॉज नोमैडिक, यूज टू रूम अराउंड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइबल्स। वास्तु वॉज दी वर्ड यूज टू द हाउसिंग ऑफ ऋग्वेद। घर के प्रमुख भाग कौन कौन से थे? घर के प्रमुख भाग एक तो अग्निशाला होती है, दूसरा हवन पूजा कक्ष, अभिधर्म, भंडार गृह। पति नना, सडस, दालना। दालान, सदस, ये भी क्या थे? घर के हिस्से थे। ऋग्वेद में घर के चार भागों का वर्णन मिलता है। घर लकड़ी एवं घास फूस के बने होते थे। आर्यों को ईंटों का ज्ञान नहीं था। कच्चे घरों के साक्ष्य मिलते हैं कहां से? मिलन में। कच्चे घरों को क्या कहा गया है? कच्चे घरों के लिए मिलन में वर्ड मिलता है। क्लियर है? कमेंट कीजिए।
डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन फोर पार्ट्स ऑफ द हाउस इज फाउंड इन ऋग्वेदा. द हाउस वर मेड ऑफ वुड एंड ग्रास. आर्यन डिड नॉट हैव टू द नॉलेज ऑफ ब्रिक्स. आर्यन को नॉलेज नहीं थी ब्रिक्स की. क्लियर इतनी चीजें. ओके प्रिया कौशिक, तो अच्छी बात है, समझ में आ गया. तो आज के लिए इतना है. कल जो हमारी क्लास होगी वो उद्योग और व्यापार से हम स्टार्ट करेंगे. इससे पिछली क्लास के अंदर हमने इसे इसको कल जो स्टार्ट किया था वो थोड़ा सा ब्रीफली हमने इसको नहीं पढ़ा था, ठीक है. अदरवाइज रीडिंग की थी जस्ट हमने इसकी, और आज हमने इसको ब्रीफली डीपली हमने आज इसको डिस्कस किया है. अगर कल मैं इसको डीपली डिस्कस कर देता तो आपको ये समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता, इसलिए मैंने एक बार आपको इसकी रीडिंग करवाई, उसके बाद आपको डीपली समझाया. तो क्लास कैसी लगी उसके बारे में कमेंट कर दो, और उसके बाद इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और कल मिलेंगे 10 बजे इसी टाइम पर ना. जब तक हरियाणा में नेटवर्क प्रॉब्लम जो चली हुई है रिजोल्व नहीं हो जाती, तब तक हमारी क्लास मॉर्निंग के अंदर रहेगी 10 AM, ठीक है. तो जुड़ते रहना 10 AM क्लासेस के अंदर. तो कमेंट कीजिए आपको क्लास कैसी लगी. नाइस क्लास. थैंक यू भाई, थैंक यू प्रिया बहन. इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं. फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.